हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरे पास हॉनर 9X का मोबाइल है। इसका ग्लास बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है और इसमें आपको येलो डॉट बहुत सारे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में येलो डॉट हटाने का बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें ये होता है कि कई बार हमारा ग्लास जब टूटता है तो ग्लास जहाँ जहाँ से टूटा रहता है उसका प्रेशर हमारे डिस्प्ले पर पड़ता है, जिसके कारण येलो कलर के डॉट बन जाते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इसके डॉट को किस तरीके से हटा सकते हैं। आप जैसे ही इसके ग्लास को हटाएंगे तो इस पे जितने भी येलो डॉट है, जो कांच का प्रेशर डिस्प्ले पे पड़ रहा है, कांच हटने से वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि वो येलो डॉट हट जाएंगे। दोस्तों सिंपल सा सॉल्यूशन है ये। और दोस्तों इस एलसीडी को मैं फ्रेम से बाहर निकाल कर बिना मोबाइल ओपन करे इसकी पंचिंग करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो एलसीडी को मैं फ्रेम से निकालने वाला हूँ और उसके बाद इसका ग्लास उतारने वाला हूँ। ग्लास उतारने के बाद इसको बिना मोबाइल ओपन करे इसके ऊपर से ही पंचिंग करने वाला हूँ। आप भी इस तरीके से बहुत ही ईजिली किसी भी मोबाइल की पंचिंग कर सकते हैं। और दोस्तों जो इसका जो पत्ता आता है डिस्प्ले का, वो पीछे से काफ़ी चौड़ा आता है, तो उसको खोलने में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो चौड़ा पत्ता आता है, उसको कई बार अगर आप बिना मोबाइल ओपन किए ग्लास चेंज करना चाहते हैं तो उस पत्ते को पूरा खोलना पड़ेगा। खोलने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि इसका पत्ता काफ़ी चौड़ा आता है और काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही ईजिली उसके पत्ते को खोलने वाला हूँ, उसके बाद इसको बिना मोबाइल ओपन करे इसका ग्लास चेंज करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पत्ता खोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अब अपने मोबाइल को पूरा खोल के एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल कर ही उसकी पंचिंग करें, क्योंकि एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने के बाद उस पत्ते को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आप बंद में ही इसकी पंचिंग करना चाहते हैं तो आपको पत्ता खोलना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसके जैसे ही आप पत्ता खोलोगे तो ही नीचे बीच में मैं गत्ता रखता हूँ एक रबड़ का, तभी वो रख पाएंगे आप वो। जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे मैं किस तरीके से इसकी पंचिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इसके एलसीडी को फ्रेम से पहले बाहर निकालूंगा, फिर इसका ग्लास उतारूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों फटाफट 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर करा दो, एक मैं शानदार सा गिव अवे लेके आने वाला हूँ हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एलसीडी फ्रेम से बाहर निकल चुकी है। तो दोस्तों इसका जो पत्ता आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा पत्ता आता है, पहले तो मैं इसको हल्का सा हीट करने वाला हूँ, जिससे कि हमारा पत्ता खोलने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैं इसके पत्ते को खोलूँगा, एक ओपनर लूँगा, या अपने हाथों से भी आप बहुत ही इजीली खोल सकते हैं। तो दोस्तों इस पे आपको पत्ते पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो या तो आपकी एलसीडी में लाइन आ सकती है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से हीट करके धीरे धीरे खोलें, सब्र करके खोल लें टाइम लगाकर, लेकिन आप तरीके से काम करें। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसका पत्ता होता है काफ़ी चौड़ा आता है, इसमें इसे यही सावधानी रखनी पड़ती है, इसलिए मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे खोल रहा हूँ दोस्तों।